बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ट्रैफिक वार्डन का पास्ट पेपर डिस्कस करूंगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है, ऑन व्हाट डेट डिड द अर्थक्वेक हिट द नॉर्थर्न एरियाज एंड आज़ाद कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 8 अक्टूबर 2005। आगे क्वेश्चन नंबर टू है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेम्ड इस्लामाबाद एज इट्स न्यू कैपिटल ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फेब 24, 1960। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार अब्दुल रब निस्तर फॉर सेलेक्टिंग नेशनल एंथम इन दिसंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1948। आगे क्वेश्चन नंबर फोर है, ऑन विच रिवर विल द कालाबाग बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडस। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द सर्च फॉर सूटेबल वर्ड्स ऑफ नेशनल एंथम विद द म्यूजिक सेट अहमद गुलाम अली चगला फाइनली एंडेड विद द अप्रूवल ऑन 13 अगस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 1954। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, शिमला डेपुटेशन अक्टूबर 1906 कंप्राइज्ड ऑफ डैश मुस्लिम लीडर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 35। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जेरूसलम। आगे क्वेश्चन नंबर एट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फिरोज़ खान नून। क्वेश्चन नंबर नाइन है, तश्कंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लाल बहादुर शास्त्री। आगे क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है, वन यूनिट बिल वाज पास्ड इन ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1955। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, द पंफलेट नो और नेवर वाज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चौधरी रहमत अली। व्यूवर्स, इसका आंसर जो है यहाँ पे रॉन्ग मेंशन किया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, चौधरी रहमत अली। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मौलाना जफर अली खान। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्राइम मिनिस्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, डोआबा रचना इज लोकेटेड बिटवीन द रिवर चनाब एंड रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रावी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, द पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना इज नॉन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, खंजराब पास। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलर कहार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चकवाल। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच बैंक गिव ₹80 मिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कायदे आजम व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेल टू डिलीवर पाकिस्तान शेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हबीब बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेंज ऑफ मोहनजोदड़ो आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लड़काना। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरसीडी वाज री एस्टेब्लिश्ड विद द नेम ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ईसीओ। आरसीडी स्टैंड फॉर होता है रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट।
आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ईयर NWFP वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 2010। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी चेचनिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस एंड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, द फॉर्म ऑफ FIR कंटेन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 3 columns। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन अकम्प्लिस मीन्स एनी पर्सन हु इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अ गिल्टी एसोसिएटेड और अ पार्टनर इन क्राइम। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडर सेक्शन 141 ऑफ PPC एन अनलॉफुल असम्बली इज़ एन असम्बली कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 5 persons। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 round table conferences, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बेगम शाहनवाज। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वुमेन वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फर्स्ट सेंट टू UNO आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बेगम राणा लियाकत अली खान। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी हरी सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द डे ऑफ डिलीवरेंस बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 22 दिसंबर 1939। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, इन 1946 द मिशन सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कैबिनेट मिशन। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिस्टर II चंद्रीगढ़ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए October 18, 1957 टू December 16, 1957। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेयर फोर्ट मनरो इज़ लोकेटेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी डेरा गाजी खान। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन क्वेटा वाज डिवेस्टेटेड बाय सेवर अर्थक्वेक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 31 मई 1935। आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। व्यूअर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को काइंडली आखिर तक देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 1953। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज़ द ऑथराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन लाइसेंस फॉर केबल टेलीविजन एंड FM रेडियो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पेमरा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम लाहौर बाय मौलाना जफर अली खान वाज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ज़मींदार। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन इंडिया वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दिल्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, ISSB स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। आई का मतलब इंटर, एस का मतलब सर्विसेज, एस का मतलब सिलेक्शन, बी का मतलब बोर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ निशान हैदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी
कैप्टन सर्वर शहीद। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, डेसिबल इज़ अ यूनिट यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कर्नोमीटर मेजर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टाइम। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, द फर्स्ट सार्स समिट वाज हेल्ड एट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ढाका। आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट डज ISO स्टैंड फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। आई का मतलब इंटरनेशनल, एस का मतलब स्टैंडर्ड्स, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 100°C। आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिनोट अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑफन विद क्रिमिनल इंटेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हैकिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, द नेम ऑफ द फिफ्थ कलमा इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कलमा अस्तगफार। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ द 12th मंथ ऑफ द इस्लामिक ईयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जुलहज। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच सूरत ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सूरत यासीन। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ ओल्ड वाज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज मदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 6। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। मैंने आपके साथ 2013 का ट्रैफिक वार्डन का पास्ट पेपर डिस्कस किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।